हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए एप्पल से बनी हुई हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में बनाकर खिला सकते हैं। साथ ही आप इसे 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपका बच्चा एप्पल खाना पसंद नहीं करता है और अगर आप इस तरह से एप्पल शेक या स्मूदी बनाकर बच्चे को खिलाएंगे तो ये बच्चे को स्वाद में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर आइए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एप्पल लिया है, ये देखिए। तो इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसका छिलका उतार लेते हैं और छिलका उतारने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो अब इसे हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और इसके बीच वाला पार्ट हम निकाल देंगे और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और सभी एप्पल इसी तरह से हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एप्पल को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है और अब मैंने यहाँ पर ये ब्लेंडिंग जार लिया है, इसमें हम एप्पल के पीसेस डाल देंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है, एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को टेस्ट में काफ़ी पसंद आएगी। तो एप्पल के पीसेस जार में डाल दिए हैं मैंने और अब इसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए अब इसमें हम मिलाएंगे खजूर। तो 3 खजूर लिए हैं, इसके बीच वाला पार्ट निकाल कर मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर। तो इसे बनाने की रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के लगभग दूध। तो ये देखिए, सभी सामग्री मैंने जार में डाल दी है और अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो दोस्तों, जब कभी आपके पास में समय कम हो और आपको बच्चों को कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाकर देना हो तो आप इस तरह की रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ये रेसिपी बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बच्चों का वज़न हेल्दी तरीके से बढ़ेगा और बच्चों को ये टेस्ट में काफ़ी पसंद आएगा। तो ये देखिए, सभी चीज़ें हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं और अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, बनकर तैयार है आपके घर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन रेसिपी, जिसे आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी है, तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की ढेर सारी नई नई और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हेल्दी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।